शहर अंधेरों में गर्क, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग, शहरी परेशान, एहतजाज पर मजबूर, पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें। हमारी असल मंजिल खुद इन्हिसारी है, मुल्क में मौशी इस्तेकाम लाने की कोशिश करेंगे, सियासी इस्तेकाम के लिए मौजूद दानिश्वर अपना किरदार अदा करें, वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ का बयान। मुल्क अब खतरे से निकल चुका है, वज़ीरे ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने आगाह कर दिया, कहा मुस्तहकम और पायदार तरक्की के लिए ठोस इकदाम करने की ज़रूरत है। बदनाम गिरोह ने इक्तदार पर कब्जे की साजिश की, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पार्टी इजलास से खिताब, कहा चोरों को खुद को रिलीफ देने के लिए अवाम को बदतरीन महंगाई की अजियतनाक तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। मईशियत हिल गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से अवाम को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, इनकी साजिश इमरान खान की नहीं पाकिस्तान के खिलाफ थी, साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का बयान। पीपल्स बस सर्विस के लिए 100 मजीद बसें कराची पहुंच गई, पीपल्स बस सर्विस के रूट 1 के आगाज के बाद रूट 2 पर बसें 1 जुलाई को चलेंगी। नादरन बाईपास पर गैर कानूनी मंसूबे का इंकशाफ, गाड़ियों के शोरूम के लिए कमर्शियल प्लाटों के गैर कानूनी बुकिंग का आगाज कर दिया गया, मंसूबे की एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जारी की गई। औरंगी टाउन में शहरियों ने डाकू को जिंदा जला दिया, डाकू वारदात के दौरान शहरियों के हत्थे चढ़ा, मुलजिम को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और मवेशी मंडी की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, ईद कुर्बान की खुशियां मान पड़ने लगीं, औसतन बकरे की कीमत 40 से 50 हज़ार में फरोख जारी।